दोस्तों, आज के टाइम में व्हाट्सअप हम सभी लोग चलाते हैं एंड दैट्स व्हाट्सअप के ऊपर काफ़ी सारे काम करते हैं हम लोग। बट यार, क्या आपको मालूम है कि आप बहुत ही बड़ा सीरियस मिस्टेक कर रहे हैं व्हाट्सअप के ऊपर, जिससे आपकी प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए एंड दैट्स मैं आपको 5 ऐसे मेथड्स बताने वाला हूँ जो आपको क्योर करने की ज़रूरत है, प्रिवेंट करने की ज़रूरत है व्हाट्सअप यूज़ करते टाइम में। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भैया, जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर में, तो क्या आपको मालूम है कि आपकी वीडियो कॉलिंग कोई और रिकॉर्ड भी कर सकता है। आजकल यार, फोन में काफी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्स आ चुके हैं। आप तो सामने वाले से यार वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, बट क्या आपको मालूम है कि सामने वाले बंदे ने, हो सकता है कि वो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हो एंड दैट्स कोई भी यार प्राइवेसी आपकी लीक हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप लीक करेगा, क्योंकि यार व्हाट्सअप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसमें एंड टू एंड इंक्रप्शन मिल जाता है, जिससे आपकी कोई भी डाटा लीक होने की चांसेस नहीं है। बट क्या आप जानते हैं कि मार्केट में यार काफ़ी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्स प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हैं, तो उससे आपकी डाटा या फिर आपके जो इमेजेस वगैरह हैं वो लीक हो सकते हैं। तो इसलिए यार, कभी भी वीडियो कॉलिंग करें आप किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड से, या फिर अपने फ्रेंड से, या फिर अपने बॉयफ्रेंड से, या किसी से भी आप करते हैं फैमिली मेम्बर से, तो कुछ ऐसा पर्सनल कोई भी चीज़ ना करें व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग के दौरान, जिससे आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे मिस्टेक की तरफ। दोस्तों, काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होंगे एंड दैट्स उसमें यार एक मैसेज आपको हमेशा देखने को मिलता होगा, भैया 1 रुपए में ले लो पेन ड्राइव, भैया 1 रुपए में ले लो टीवी, भैया 1 रुपए में ले लो मोबाइल फोन। क्या आपको मालूम है कि ये सारा स्कैम है आपके लिए, बिछाया हुआ एक तरीके से जाल है। एक्चुअली होता क्या है कि आप जो क्लिक करते हो उस लिंक पर, तो आप चले जाते हो एक वेबसाइट के ऊपर। अब वो वेबसाइट किसी और बंदे ने बनाई रखी है, और वेबसाइट के ऊपर अगर ट्रैफिक आता है तो ही यार उसे पैसे मिलेंगे। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, उसको तो यार ट्रैफिक मिल गया एंड दैट्स वो बंदा क्या करता है कि पैसे उनको मिल गए, बट आपको क्या मिला, वहां पर एरर मिलेगा एंड दैट्स कोई भी रिवार्ड या कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको 1 रुपए के अंदर में। आप भी इतना सा यार नॉलेज जानते हो कि 1 रुपए में आपको कोई टीवी दे सकता है क्या, नहीं दे सकता भाई। 1 रुपए मोबाइल दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो इस तरीके के लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक ना करें, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश और स्कैम होती है, तो इस लिंक पर क्लिक करने से बचें। अब जो हमारा जो तीसरा है जो सीरियस मिस्टेक आप लोग करते हैं, वो फेसबुक से रिलेटेड है। बेसिकली होता क्या है कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक का लिंक वगैरह आता है, भैया आप 50,000 रुपये जीत जाओगे, 1 लाख 2 लाख रुपये जीत जाओगे, मनी अमाउंट्स इतनी हाई बताते हैं वो लोग कि यार किसी का भी जो है दिल कहेगा कि भाई क्यों ना मैं भी कमा लूँ। बट पैसा कमाना यार इतना ही आसान होता तो सारे लोग पैसे कमा लेते हैं। बट होता क्या है कि आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हो, तो वहां पर आपको लेके चले जाता है फेसबुक के ऊपर। बेसिकली ये जो पेज होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम फेसबुक की तरह होता है, बट यार वो जो होता है वो फेक पेज होता है। उसके ऊपर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, आप जैसे ही इंटर करोगे और लॉग इन करोगे तो उसमें यार एरर बता देगा। होगा क्या कि आपने तो लॉग इन कर लिया, आप सोचोगे भैया नेट स्लो है, ये है वो है, या फिर हो सकता है कुछ करप्शन की वजह से हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है। अब तक तो यार आपके सारे डाटा चोरी हो चुके हैं एंड दैट्स आपका पासवर्ड भी जो है चेंज कर दिया गया है। तो इस चीज से आप बचें, कभी भी इस तरीके की गलती ना करें व्हाट्सएप के ऊपर में। दोस्तों, अब जो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप के ऊपर में, या फिर कह लीजिए जो सीरियस मिस्टेक कहते हैं हम लोग, वो है कि आप लोग यार व्हाट्सएप GB यूज करते हो, और व्हाट्सएप GB यूज करते करते भूल जाते हो कि ये ओरिजिनल व्हाट्सएप नहीं है, आप व्हाट्सएप GB यूज कर सकते हो एंड दैट्स उसके ऊपर यार काफी सारे आप पर्सनल डाटा इधर उधर करते हो। तो एक चीज का ध्यान रखना है यार कि व्हाट्सएप GB के अंदर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो ओरिजिनल व्हाट्सएप नहीं है। तो इससे यार प्राइवेसी को थोड़ा खतरा आपका हो सकता है। तो इसलिए यार हमेशा सेफ्टी से अगर आप व्हाट्सएप GB चलाते हो, तो उस पर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर ना करो जो आपसे रिलेटेड हो, जो आपको बाद में नुकसान दे सकती है। तो इसलिए व्हाट्सएप GB का इस्तेमाल यार अगर आप कर रहे हो तो सेफली करो, ऐसा नहीं कि नहीं करना, बट अगर कर रहे हो तो यार सेफली करो, क्योंकि हम लोगों को सभी को दिल में होता है यार भाई कोई भी नया फीचर आए सबसे पहले मुझे मिल जाए, सबसे पहले मुझे मिल जाए। तो उसके लिए यार आप व्हाट्सएप का बीटा वर्जन यूज कर लो, GB जो है वो उतना ज्यादा सिक्योर मैं नहीं मानता हूँ। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, वो आपको यार कभी ना कभी जो मैसेज आया होगा कि भैया आपका जो वो व्हाट्सअप है वो
आउटडेटेड वर्जन हो गया है। जी हाँ, आउटडेटेड वर्जन हो गया। नीचे एक छोटी सी लिंक होती है, उस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो भैया एक और वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। वहाँ पर भी सेम ही मैसेज रहता है कि भैया आपका वर्जन आउटडेटेड हो गया है, आप उसे अपडेट कर लें। तो ये एक तरीके का स्कैम होता है, एंड दैट्स आपके जो व्हाट्सअप है वो हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भैया इस तरीके के लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। आपको अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट कीजिए, लेकिन प्ले स्टोर के ऊपर जाकर, क्योंकि प्ले स्टोर सिक्योर है, उसके ऊपर अगर आप जाकर व्हाट्सअप डायरेक्ट सर्च करते हैं तो वहां पर अगर अपडेट का ऑप्शन आता है तो बिल्कुल आप अपडेट कीजिए, क्योंकि आपका व्हाट्सअप अपडेट हो जाएगा, कुछ नए फीचर्स मिल जाएंगे, बग्स वगैरह फिक्स हो जाएंगे। तो ये सारे सीरियस मिस्टेक है जो आप व्हाट्सअप के ऊपर में करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके के स्कैम्स और इस तरीके की मिस्टेक्स से खुद को क्योर करें, प्रिवेंट करें, इस तरीके की गलतियां व्हाट्सअप के ऊपर में ना करें, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत आ जाए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी इसे यार शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।